जब मैंने शुरू की थी तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं 10 साल से ऊपर काम कर पाऊंगी या करूंगी। अब ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो गए हैं, तो ऑनेस्टली इट्स सच अ ब्लेसिंग। आजकल आप जो OTT पे देख रहे हैं वो काफ़ी वुमेन एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑडियंस के, यू नो ऑडियंस इज लाइकिंग पीपल, दे लाइकिंग वॉचिंग वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। इतना रिस्पेक्ट आई थिंक मैं उनको देती हूँ एज संजय लीला भंसाली। आई थिंक मेरे ज़िंदगी में कोई और नहीं है जिनको मैं उतना रिस्पेक्ट करती हूँ इन एवरी एस्पेक्ट। सो वी कैन कॉल दैट वो आपके मेंटोर भी हैं। वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है, सॉरी पति। ये पार्टीशन से पहले की कहानी है, और हम लोग सब हीरा मंडी में जो तवायफे रहती थी उनके बारे में है। और जैसे शाही महल हुआ, ख्वाबगा हुआ, ऐसे अलग अलग घराने की और अलग अलग जगह की जो तवायफे हैं, हुजूर हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन था, क्या पॉलिटिक्स था, और क्या आशाएं थी, क्या हार्ट ब्रेक थी, क्या उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ है। और द फ्लेवर ऑफ फ्रीडम फाइटिंग आल्सो इज़ देयर, जो फ्रीडम फाइट का मूवमेंट शुरू हुआ था वो भी है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें। सो आपका क्या किरदार है इस मूवी में? मैं हुजूर प्ले कर रही हूँ, मैं शाही महल की हुजूर हूँ, और बहुत ही पावर हंग्री और कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव, और वो कहते हैं ना लेडी बॉस। ओह वेरी नाइस। वैसा कुछ कैरेक्टर है मंडी के शो में, वो है प्यार। ओके हर रूप में है वहाँ पे। या तो आप किसी से इतनी नफरत करते हो कि आप नफरत से प्यार करते हो, नहीं तो आप किसी से इतनी प्यार करते हो कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, या तो आप मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लव। एंड आई थिंक लव एक यूनिवर्सल इमोशन है जो हम सबको महसूस होती है और हर शेप एंड फॉर्म में आती है हमारे लाइफ में, एंड वो सारे दूसरे इमोशंस को उसके साथ जुड़ जाती है। सो आई थिंक वो एक चीज़ है हीरा मंडी में जो एक यूनिवर्सल थीम है जो पूरे शो में चलता है। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस के सारे औरतें जो हैं वहाँ पर उनका खुद का प्यार है एक या दो चीज़ों के लिए, एक या दो इंसानों के लिए, एक या दो सिचुएशंस के लिए। तो आई थिंक वो आइडेंटिफाई करने में ऑडियंस को मज़ा भी आएगा क्योंकि वो समझेंगे कि वो औरतें क्यों कर रही हैं जो वो कर रही हैं। वेल आजकल आप जो OTT पे देख रहे हैं वो काफ़ी वुमेन एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑडियंस के, यू नो ऑडियंस इज़ लाइकिंग पीपल, दे लाइकिंग वॉचिंग वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। और OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आई थिंक मौका दिया जाता है कि हर तरह का एक्टर यहाँ पर आकर अपना अपनी कला पेश कर सकता है। और इट्स ब्यूटीफुल। हमारे शो में इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स ही नहीं लेकिन हमारा जो सेट था वहाँ पर भी आप आई थिंक 80% महिलाएँ थी इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव्स। तो अच्छी बात है, खूबसूरत लगता है, पर आई थिंक मेरा ये भी मानना है कि मैं कभी भी एक ऐसे सेट पे काम नहीं कर पाऊँगी जहाँ पर सिर्फ औरतें हों। इक्वालिटी होनी चाहिए। ओके नाइस। आई थिंक एज एन एक्टर मैंने बस ये ठान लिया कि मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है और अच्छा काम मिल रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि इतने साल टेलीविज़न पर काम करने के बाद सब कुछ बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एक इमेज भी बन जाती है स्टीरियोटाइप। बट एज आई मेंशन बिफोर आल्सो आई थिंक स्टीरियोटाइप इमेज जो नैरो माइंडसेट था लोगों का वो चेंज हो गया है क्योंकि अलग अलग माध्यम के ज़रिए उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं और एक्सेप्टेंस मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम दैट वन लकी आर्टिस्ट हु इज़ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क विद ग्रेट फिल्म मेकर्स। और एक आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इस बात की दाद देनी पड़ेगी सर की कि उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो इट्स वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उन्होंने मुझे मौका दिया, और बिकॉज ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो वो देखकर समझ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बोलना चाहूँगी कि 90s की हीरोइन आज जो टक्कर दे रही हैं आज की जनरेशन को जैसे कि आप हो, रवीना जी हो, वो कमेंडेबल है। और जो आपको लगता है कि एक टाइम था जब एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती थी, ऐसा लोगों का मानना था,
तो आपको लगता है कि अभी चीज़ें चेंज हुई है, क्या बदलाव आया है? जब मैंने शुरू की थी तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं 10 साल से ऊपर काम कर पाऊँगी या करूँगी. अब ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो गए हैं, तो ऑनेस्टली इट्स सच अ ब्लेसिंग कि अभी भी मुझे काम करने का मौका मिलता है और अच्छे अच्छे किरदार करने को मिलते हैं और अच्छे अच्छे फिल्म डायरेक्टरों के साथ काम करने को मौका मिलता है. तो आई थिंक इट्स जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड गॉड्स बीन काइंड एंड पीपल हैव बीन एक्सेप्शनली काइंड. जितना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और जो पहला एक कॉन्सेप्ट था कि एक्ट्रेसों की शेल्फ लाइफ कम होती, वो अब तो बिल्कुल ही नहीं है. यू नो, काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो कि यंग हैं, काफ़ी है जो हमारी एज की भी हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स कर रही हैं, प्ले कर रही हैं. तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. तो मैंने संजय सर के साथ पहले भी बहुत काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर. तो आई थिंक ओवर द लास्ट 10 ईयर्स मैंने उनको बहुत सारे अलग अलग रोल्स में देखा है. एंड टू वर्क विद संजय सर, तो पहली चीज़ जो सबके दिमाग में आती है कि इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि वो जो आप में देखते हैं कभी कभी आप खुद में देख नहीं पाते. एक्चुअली आप 100% खुद में देख नहीं पाओगे. जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, आपकी पोटेंशियल को देखते हैं, जो काम वो आपसे उभार के लेके आते हैं, आई थिंक वो संजय सर के साथ काम करने में, इसलिए हम बोलते हैं कि संजय सर के साथ काम करने में बहुत बड़ा मौका है सबके लिए, इसलिए सब संजय सर के साथ काम करना चाहते हैं. आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से मैं बदली हूँ एज शारमिन संजय सर के साथ एज एन एक्टर काम करने के बाद, मतलब आई थिंक मेरा इंटायर पर्सपेक्टिव लाइफ का भी चेंज हो गया. जैसे मैं खुद को देखती हूँ सिचुएशंस में, मेरे खुद को, खुद के पोटेंशियल को देखती हूँ, और ओवरऑल जस्ट अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद संजय सर एंड ऑल्सो वेरी प्रिविलेज्ड एक्सपीरियंस. और एक बात मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि जितना रिस्पेक्ट आई थिंक मैं उनको देती हूँ एज संजय लीला भंसाली, आई थिंक मेरे ज़िंदगी में कोई और नहीं है जिनको मैं उतना रिस्पेक्ट करती हूँ इन एवरी एस्पेक्ट, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम्स कोई और कर, एडिटर, कॉस्ट्यूम्स कोई और करता है, सेट्स कोई और करता है, बट फिर भी जो संजय सर की इन्वॉल्वमेंट लेवल है अपने पैशन के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए, आई थिंक वो इतना रिस्पेक्ट गेन करता है मेरे माइंड में. तो थैंक यू संजय सर फॉर बीइंग द बेस्ट. सो स्वीट. सो वी कैन कॉल दैट वो आपके मेंटोर भी हैं. वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है. सॉरी पति. उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मुझे अपने लाइफ में टू वर्क हार्ड. जहाँ से वो आए हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में, आज मैंने फर्स्ट हैंड कहानियाँ सुनी हैं, मैंने जाके देखा है वो कहाँ पे रहते थे एज अ टीनेजर, एज अ चाइल्ड, एंड जितना उन्होंने अकम्प्लिश किया अपने लाइफ में, उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए. वेरी नाइस.